महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसकी आयु सबसे कम थी, लेकिन फिर भी उसकी वीरता को देखकर खुद कौरव भी हैरान थे। अभिमन्यु इकलौता ऐसा योद्धा था जो अपने पिता अर्जुन के अलावा भी चक्रव्यूह भेज सकता था। लेकिन कहा जाता है जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के पेट में था, तब अर्जुन ने चक्रव्यूह भेजने की युक्ति सुभद्रा को बताई थी, लेकिन सुभद्रा सुनते सुनते बीच में ही सो गई थी, इसलिए वो चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाले अंश को ही सुनकर सो गई और चक्रव्यूह से बाहर आने वाले अंश को सुन नहीं पाई। इस कारणवश अभिमन्यु को चक्रव्यूह का आधा रहस्य ही पता था। कहा जाता है महाभारत में चक्रव्यूह भेजने के लिए अभिमन्यु अकेले ही उतरा था, लेकिन आखिरी चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही कौरव सेना ने युद्ध के नियम को तोड़ते हुए अभिमन्यु को घेर कर उसका वध कर दिया। महाभारत में अभिमन्यु तो चक्रव्यूह नहीं भेज सका, लेकिन महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में आज भी चक्रव्यूह रचने और भेदने का खेल खेला जाता है। महाभारत में जिस चक्रव्यूह का प्रसंग आता है उसका अर्थ है सैनिकों का ऐसा जाल जिसमें से कोई भी योद्धा आसानी से नहीं निकल सकता। कई हजार सैनिक मिलकर कई किलोमीटर की दूरी तक एक ऐसा चक्र बनाते हैं जिसमें प्रवेश करके कोई भी आसानी से बाहर नहीं जा सकता। हर तरफ से शत्रु सैनिकों से घिरे होने के कारण किसी भी योद्धा को आसानी से हराया जा सकता था। महाभारत में केवल कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना आता था। महाभारत में युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। माना जाता है कि महाभारत में हरियाणा की एक जगह थानेसर से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। उस जगह को आज कुरुक्षेत्र थानेसर के नाम से जाना जाता है। वहाँ के बच्चों को चक्रव्यूह भेदना आता है, यानी यहाँ पर चक्रव्यूह रचना और उसे भेदने को खेल की तरह खेला जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को यह कला प्राकृतिक रूप से मिली हुई है। कई घंटे खेलने के बाद भी जीत हार का फैसला नहीं हो पाता। मुख्य रूप से यहाँ पर अमीन नाम का एक गांव है जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। वहाँ पर आज भी बच्चे गलियों गलियों में इस खेल को खेलते हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक किला है जहाँ पर वीर योद्धा अभिमन्यु की वीरता की कहानियाँ सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।